नमस्कार दोस्तों, सीएसएन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने कुछ वियर्ड नापसंद जहर गाड़ियों के बारे में जाना। उस वीडियो के बाद कुछ लोगों का मैसेज और कमेंट आया कि आपको ऐसी ही कुछ वीडियो जो है बाइक्स के ऊपर भी बनानी चाहिए। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी ही कुछ वियर्ड नापसंद जहर बाइकों को लेके, जिनको उनके लुक्स के चलते और उनके साइज के चलते उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और लोगों ने उस पर वियर्ड का थप्पा भी लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहरों में जहर राजदूत GTS की, जिसमें 170 सीसी का इंजन और 9.5 हॉर्स पावर की ये पावर जनरेट करने वाली बाइक थी, जो 1970 में लॉन्च की गई थी। इसका दूसरा नाम था बॉबी, यानी कि बॉबी मूवी में इसको सबसे पहले ऋषि कपूर ने चलाई थी, जिस वजह से इसका नाम बॉबी ही रख दिया गया। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसी लगती है कि जैसे स्कूटर और बाइक को आपस में टकरा दे तो यही बनेगा। ये एक मिनी बाइक थी, छोटी बाइक थी, कॉम्पैक्ट बाइक थी, जिसमें छोटे टायर थे, पीछे स्टपनी थी। अगर आप देखें तो स्टपनी काफ़ी अजीब लग रही है इस बाइक में, शायद ये पहली बाइक थी जिसमें पीछे स्टपनी दी गई थी। राजदूत ने आखिर ये क्या सोच के बनाया था, या तो वो बाइक बनाता या फिर वो स्कूटर बनाता, दोनों मिक्स करके उसने पता नहीं ये क्या बनाया। इसी वजह से, इसके लुक्स की वजह से आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। अब बारी आती है गस्टो लेना है तो गस्टो लो, गस्टो लेना है तो गस्टो लो, यानी कि महिंद्रा गस्टो की। 2014 में ये लॉन्च हुई। इसकी एड में जो किरदार थे उनको ही समझ में नहीं आया आखिर ये टैगलाइन थी क्या, आखिर ये स्कूटी है क्या। यानी कि उसमें अगर देखें तो उसमें कहते हैं गस्टो लेना है तो गस्टो लो, गस्टो लेना है तो गस्टो लो, तो एक कस्टमर को तो घंटा ही समझ में नहीं आती कि ये आखिर स्कूटी है क्या। इसकी आफ्टर सेल जो सर्विसिंग थी वो बेहद ही खराब थी। इसके लुक्स ओके ओके था, और अगर इंजन की बात करें तो इंजन कहने को काफ़ी अच्छा था। 70,000 की ये पड़ती थी, 61 की ये माइलेज देती थी और 109 सीसी का इंजन था, 8 PS की ये पावर जनरेट करती थी। लेकिन लोगों ने इसको नापसंद किया और इसकी सेल्स ना के बराबर रही, और जिस वजह से इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। अब बात करते हैं महिंद्रा मोजो की, जो कि एक टूरिंग बाइक थी। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 2 लाख के लगभग में ये बाइक आती थी और 25 की माइलेज देने वाली ये बाइक काफ़ी अच्छी थी। 300 सीसी का इसमें इंजन था और 27 की जो ये PS पावर जनरेट करती थी। लेकिन इसके लुक्स और सर्विसिंग की और मार्केट कंपटीशन की वजह से ये बाइक ज़्यादा चल नहीं पाई। इसी रेंज में और भी बाइक, यानी कि जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स और जो है KTM की बाइक आती थी, जिस वजह से ये बाइक ज़्यादा चल नहीं पाई। अब बात करते हैं यामा फेजर की, जो सबसे पहला मॉडल था, जिसमें 123 सीसी का इंजन था, 10 PS की पावर थी और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी। इस बाइक के लुक की वजह से ये बाइक ज़्यादा चल नहीं पाई, जिसका हेड देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई मधुमक्खी का जो है सिर हो। इसके लुक्स की वजह से आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसका नया मॉडल निकाला गया, जो कि इस बाइक से बेहतर था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करता था। अब बात करते हैं LML फ्रीडम की। LML जाना जाता है अपने स्कूटरों की वजह से, अपनी सर्विसिंग की वजह से और अपने स्कूटर की परफॉर्मेंस की वजह से। उसके बाद उसने निकाली अपनी फ्रीडम बाइक, जो कि दिखने में बेहद ही फ्लैट थी। फ्लैट से बात करें तो अगर भारत में फ्लैट रोड हो तो लोग उसे भी पसंद नहीं करते, जब तक उसमें 10-12 गड्ढे ना आ जाए तो लोग उसे पसंद नहीं करते, तो ये तो फिर भी एक बाइक थी। फ्लैट बाइक लोगों को पसंद नहीं आई और काफ़ी दिखने में ये सिंपल सी थी, स्लीक सी थी, तो लोगों को ये पसंद ना आनी जो है लाजमी थी। फिर LML ने गलती से सबक नहीं सीखा, इसे डिसकंटिन्यू करके दोबारा ऐसी ही बाइक निकाली जो कि दिखने में लगभग सेम ही थी, जिस वजह से वो भी नहीं चली, तो आगे चल के उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये बाइक जो है 2002 में लॉन्च हुई थी, 109 सीसी का इंजन था, 62 KMPL की ये जो है माइलेज देती थी और 8.6 BHP की ये पावर जनरेट करती थी, जो कि लगभग अच्छा था। लेकिन इसके लुक्स की वजह से ही ये मार्केट में पिट गई। अब बात करते हैं हीरो इम्पल्स की, जो 2016 में लॉन्च हुई। 150 सीसी का इंजन, 70 की माइलेज और 13 PS पावर जो है ये जनरेट करती थी। कहने को तो बाइक बेहद ही अच्छी थी, लेकिन इसके लुक्स लोगों को भारत में पसंद नहीं आए और इसके यूजर्स बेहद ही कम होने के कारण ये बाइक बेहद ही कम बिक रही थी, जिस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसके जगह एक और बाइक निकाली गई, जिसका नाम रखा एक्सपल्स। अब बात करते हैं करिश्मा ZMR की।
2009 से पहले ये एक ड्रीम बाइक हुआ करती थी किसी भी शख्स की, मेरी भी थी। लेकिन 2009 में एक दिन ऐसा आया कि करिश्मा को डिसकंटिन्यू कर दिया हीरो ने, और हीरो ने नई बाइक निकाली करिश्मा ZMR के नाम से, जिसमें बेहतर इंजन था, बेहतर ही माइलेज थी और बेहतर ही पावर जनरेट करती थी, जिसमें 223 सीसी का इंजन था, 35 kmpl की माइलेज थी और 20 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। लेकिन इसका लुक्स किसी को हजम नहीं हुआ, जिस वजह से इसकी सेल्स काफ़ी डाउन हो गई। तो कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट निकाला, जिसमें अगेन वही गलती की जो इसने पहले की थी, इसका लुक और बिगाड़ दिया, जिस वजह से इसके ना के बराबर सेल्स आने लगे और आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी बाइक जो परफॉर्मेंस बाइक है उसको वो और अच्छी बनाए, अगर उसमें कुछ खामी है तो उसको और अच्छा करे, लेकिन हीरो के साथ ऐसा नहीं था। उसने अच्छी वाली बाइक को और बिगाड़ के रखा, और लुक्स की तो बिल्कुल बात ही मत कीजिए। अब मैं बात करता हूँ होंडा नवी की। सबसे पहले मुझे कोई ये बताए कि आखिर ये है क्या, ये स्कूटी है या बाइक, मैं इसे क्या बोलूँ। इसमें 109 सीसी का इंजन है, 8 पीएस की ये पावर जनरेट करता है और 37 kmpl की ये माइलेज देता है, लेकिन सवाल वही का वही है, आखिर ये है क्या, होंडा ने क्या सोच के इसको बनाया था। स्कूटी और बाइक का वही मैं उदाहरण दूंगा, स्कूटी और बाइक को दोनों को टकरा दो तो यही बनता है। होंडा ने आखिर इसके बनाते वक्त क्या सोचा था, ये या तो वो बाइक बनाना चाहता था या वो स्कूटी, जब उसको समझ में नहीं आया उसने दोनों चीज़ को मिला के एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट चल नहीं पाया, लोगों को इसका लुक हजम ही नहीं हुआ और आगे चल के यानी कि हाल फिलहाल में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया है होंडा की तरफ से ऑफिशियली। तो ये थी कुछ ऐसी बाइकें और स्कूटर्स जिन्होंने भारत की मार्केट में जगह बनाने की कोशिश तो की लेकिन असमर्थ रहीं। रीजन रहा इनके लुक, साइज और मार्केट कंपटीशन। आज की वीडियो को यहीं विराम लगाते हुए आपसे अलविदा लेते हैं, और अगर आपको किसी बाइक या कार के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।